कराची के मशरक में 27 किलोमीटर के फासले पर वाकई चौकंडी का कब्रिस्तान नेशनल हाईवे से गुजरने वाले हर फर्द की तवज्जो दूर से ही अपनी जानिब खींच लेता है। और इसीलिए आज मैं आपको चौकंडी कब्रिस्तान के बारे में बताने आई हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट अलवीना और आप देख रहे हैं सबकी टीवी। दो किलोमीटर के रकबे पर वाकया इस शहर का मोशा का शुमार पाकिस्तान की तारीखी वर्षों में होता है। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ मौजूद कब्रें जुहक्यो, बलोच और पर्वत कबीले से मंसूब की जाती हैं और इनकी तामीर 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक होती रही है। लफ चौकंडी के माना के हवाले से माहरीन की मुख्तलिफ अरा पाई जाती हैं। इस मकाम पर जाम मुराद बिन हाजी के नाम से एक मकबरा है जिस पर लफ चौकंडी दर्ज है। इस वजह से कुछ माहरीन का ख्याल है कि चौकंडी किसी कौम या कबीले का नाम है। ख्याल है कि चौकंडी का मतलब चार कोने हैं क्योंकि यहाँ पर जो कब्रें मौजूद हैं वो अपने तामीरी लिहाज से चौरस यानी चार कोनों की तर्ज की हैं। यह कब्रिस्तान यहाँ मौजूद कब्रों की बनावट और मकबरों के तर्ज तामीर के हवाले से मुनफरद हैसियत रखता है। महकमा सारे कदीमा की जानिब से यहाँ एक चौकीदार मुकरर है जो आने वालों के साथ मुकम्मल तावन करते हैं। इनका कहना है कि यहाँ नक्शोनिगार से मुजयन तकरीबन 600 कब्रें हैं जबकि 1200 के करीब सादा कब्रें हैं। ये दस दिया भी जिन चिकंडी इसको तद बोलते इसके चार कोने हैं। हर कब्र के डिजाइन 1500 के करीब डिजाइन आ। ये जड़ी चकंडी है जाम मरीज बन हाजी की नाम पे आ। ये कहा जाता भी ये जोखियो खानदान का कब्रस्तान है। ये कलमती बलोच भी आ, कुछ जाम बाजार चार पांच कब्रों के उपर नाम लिखे आ, इस मलक भी आ। आप हर कब्र की डिजाइन देखोगे, ये जड़े सरदार है सामने घूमड़ के ऐसे पत्थर के उपर पत्थर रखे आ भी इन्हों के उपर आपको जितनी भी कब्र आ ये हूँ जी थले मनार बने आ। ये इन्होंने उस जमाने में दरवाजे खिड़कियाँ के जिदा डिजाइन होते थे ये रखे आ। हमने सुना है रात को यहाँ पे चीखों की आवाज़ें आती हैं, ये एक आसिफ ज़्यादा कब्रिस्तान है, क्या ये सच है? नहीं, झूठ है। नहीं, मेरे को 30 साल हो गया, मैंने रात दिन इधर आया इस कमरे में भी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है। ये बहुत लोगों ने देखा भी, हमारा एक सेक्रेटरी का फोटोग्राफर आ, वो रात को 2 बजे आया भी है, उसने आन के देखा बैठा इधर 1 घंटा, उसने बोला इधर तो कोई ऐसी बात ही नहीं। बहुत आते हैं लोग सर्दी में, इतने ग्रेद आते हैं आप घूमने के लिए, जापान हर मुल्क के लोग इधर आते हैं। कोई मुल्क नहीं ऐसा मैंने नहीं देखा होगा जिसके लोग नहीं आए। पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जिमें टीवी में नेट पे आ गया, लोग तस्वीरों के लिए चकंडी मशहूर हो गई है, लोग देखने के लिए बहुत आते हैं। यहाँ मौजूद सबसे ज्यादा दीदा जेब कब्रें वो हैं जिन पर मुख्तलिफ इकसाम के नक्शोनिगार बने हुए हैं। कब्रें उमूमन 5 से 8 फुट तक लंबी हैं और 4 से 14 फुट तक ऊंची हैं। इनकी तामीर में पीले रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो ठट्टा के करीब जंग शाही से हासिल किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ मकबरों में मौजूद कब्रों में एक ही खानदान के अफराद मदफून हैं और इन पर बने नक्कूश से इस बात का पता बआसानी लगाया जा सकता है कि ये कब्र मर्द की है या औरत की। आपको ज़्यादा नाम मिलेंगे और कलमा लिखेगा उस्ताद नैतुल्ला, इसे नाम लिखिया। एक कब्र है उसके ऊपर शेर लिखिया फारसी में,
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਆ, ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗੁਲਾਮੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ। ਮਰਦੋਂ ਕੀ ਕਬਰੋਂ ਪੇ ਘੋੜੇ, ਸੁਰਮਾਓਂ, ਹਥਿਆਰੋਂ, ਅਸਲਾਹ ਔਰ ਤਾਜ ਕੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਕਬਰੋਂ ਪੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਾਰ, ਪਾਜ਼ੇਬ ਔਰ ਕਾਨੋਂ ਕੇ ਝੁਮਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਇਸ ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਮਰਦ ਕੀ ਕਬਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਕੋ ਪਗੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤਲਵਾਰ, ਤੀਰ, ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ, ਨੇਜ਼ੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚੰਦ ਕਬਰਾਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਵਰਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜੁਲਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੁਲਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਜੁਲਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਬਰੋਂ ਪੇ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਵੀ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਬਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਮਲੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਤਾਉਨ ਕੀਆ ਔਰ ਹਮੇ ਯਹਾਂ ਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ। I must say this place is so lovable and so good. This place was discovered by an Englishman like 600 to 700 years before. So we don't know how much time before this place basically is, but it is before from the Islamic state, because the tombs over here says that the Muslims are buried here. So I must say to the tourists who love to visit at the historical places or the old ages, so they should come here and visit these tombs. I don't think that the people over like 600 to 700 years or maybe back, they don't used to have like that much instruments and something like this, so they could give the designs or something. But I must say they were truly passionate people before our ages, that were maybe better than us, that they have built so much good tombs over here. This is the safest place ever. And basically this is located in Karachi at National Highway N5. You must visit this place with your friends and your family, and you can enjoy here a lot. ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੀਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਅਲਵੀਨਾ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।